अभी यहाँ से चलने लगा है, देखिए सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। भाई छोड़ो, डर रहा है, डर रहा है, छोड़ो छोड़ो, डर रहा है। ये देखिए गाइस, सामने अभी मुझे देखने को मिल गए सांवर डियर, देख रहे हैं कितने सारे हैं। अभी ना मैं थोड़ी लेट जरूर हो गया हूँ, अंधेरा हो चुका है, और फाइनली अभी मुझे बड़े फनोद के नाले के पास ये सांवर डियर देखने को मिल रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो आज जैसा कि दोस्तों ब्लॉग घर से ही शुरू हो रहा है, और आज सुबह के समय ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। अभी टाइम के अकॉर्डिंग आपको मैं कहूँ तो बजने ही वाले हैं 7, तो 7 बजे। अभी जैसा कि दिन है आज 19 अप्रैल का, और सुबह का समय ही है, और आज है हमारे यहाँ पे बोटिंग। तो चलो अभी मैं चल रहा हूँ बोट देने के लिए सुबह सुबह। सो कुछ ये रिसिप्ट जो थी बोट की, ये आ चुकी है। साथ में मैं अभी लेकर चल रहा हूँ अपना आधार कार्ड, और अभी मेरे मम्मी पापा जा चुके हैं सड़क की तरफ। सो अभी अपने फैमिली के साथ में ही मैं जाने वाला हूँ बोट करने। तो चलो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं उस जगह को जहाँ पे कि बोटिंग हो रही है। पता नहीं उस जगह पे कैमरे को ऑन करना अलाउ होगा या नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते हैं, बट हाँ अभी मैं सुबह सुबह ही जा रहा हूँ बोट देने, क्योंकि उसके बाद हो जाती है भीड़। तो आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने मत का सदुपयोग करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है वोट देना, तो वोट ज़रूर देना चाहिए गाइस। तो चलो अभी चलते हैं, और सामने की तरफ अभी मम्मी पापा भी हैं तो मैं उन्हें भी पिक कर लेता हूँ। फाइनली गाइस आ चुका हूँ अपने गेट से बाहर, और मेरे मम्मी पापा सामने की तरफ अभी जा रहे हैं, काफ़ी दूर जा चुके हैं उस जगह पर वोट देने, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं और वोट देकर आते हैं। तो अभी मेरा फ़ोन भी नीचे गिर गया था ना, तो वो दिक्कत भी हो गई है। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली ये है जगह जहाँ पे कि आज हमें करना है बोट। तो सामने ये मेरे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, इस जगह पर आज बोटिंग होगी, और सामने की तरफ मम्मी पापा भी हैं और मैं भी हूँ ऑन रोड अभी खड़े हैं, क्योंकि अभी बोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। सो कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी। तो चलो अभी चलते हैं उस जगह पर, थोड़ी पता कर लेते हैं बोटिंग में कितना समय लगेगा। बाकी 7 बज रहा है, तो 7 बजे आ गया हूँ इस जगह पर। फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो भी करनी है, जैसे कि आपको आगे ये कंटेंट दिखाना है। तो गाइस अभी ना पोलिंग बूथ पे थोड़ी टाइम लग रहा है, और अभी वोट होना शुरू होने ही वाला है कुछ टाइम बाद। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ के नाखून, तो अभी किसी तरह का कोई कलर नहीं आया इन पर। जब कलर आ जाएगा तो आपको वो चीज़ें भी दिखाई जाएंगी। सो फाइनली अभी मैं हूँ पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की तरफ, तो यहीं पे होगा आज बोर्ड, और बोर्ड देने आया हूँ। हगो बोर्ड स्टार्ट हगो है, चलो बोर्ड देते हैं, देखा आता हूँ तुम्हारे कमल को ही। चलो मैं देखकर आता हूँ बोट। बोट स्टार्ट हो गया गाइस, और अभी मैं जा रहा हूँ सामने की तरफ। इस जगह पर हो रहा है बोट स्टार्ट। तो फाइनली गाइस मैं देकर आ चुका हूँ वोट, और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ, और दिखाते हैं फिर आपको आज दिन भर में जो भी चीज़ें हैं वो। सो कुछ इस तरह अभी इस जगह पे भीड़ थी, और वहाँ पे कैमरा मतलब फ़ोन अलाउ था नहीं, तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। बट अभी वोट देकर आ चुका हूँ, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं मेरी फिंगर पर, है ना, ये देखिए वोट दिया है मैंने, अपने मत का अधिकार जो है वो कर लिया है। बाकी डिपेंड करता है कि
जो चुनाव जीत कर आएगा वो क्या कुछ गांव के लिए कर सकता है या नहीं। पनौत के छोटे नाले से शाम का ये समय, और आप देख पा रहे होंगे अभी आपको आगे की तरफ ये धुआं नजर आ रहा है। तो इस जगह पे ना अभी फॉरेस्ट वर्कर द्वारा जो लाइन काटी गई है और सड़क के किनारे जो आग लगाई जा रही है पत्तों में, जिससे कि अंदर आग ना जा सके, जो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो ये बेहद ही खूबसूरत समय है, अभी इस जगह से आप चेक कर पा रहे होंगे। तो अभी मैं इस जगह पर ही हूँ। तो गाइज़ अभी मेरे यहाँ पे तो ये चल रहा है फायर सीजन जिम कॉर्बेट में, और अभी जो सड़क का किनारा है इस जगह पर आप ये देख रहे हैं जो पतझड़ हुआ है ना, इन पतझड़ में जो पत्ते नीचे ज़मीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें अभी लगा दी गई है आग, जिससे कि कोई भी आने वाला पर्यटन इस जगह पर आकर जंगल में किसी भी तरह से, मतलब जलती हुई चीज़ को अगर ड्रॉ भी करेगा ना, जब भी इसमें आगे की तरफ जंगल में आग नहीं जाएगी। सो ये चीज़ें अभी इस जगह पे हो रही हैं, और अभी मैं चलता हूँ वापस। जैसा कि फिर से एक बार सुबह के समय मैं गया था पोलिंग बूथ की तरफ अपने मत का उपयोग करने के लिए। बाकी देखो, हमने जिसे वोट दिया है वो जीत कर आए या ना आए, बट उम्मीद तो है कि हाँ वही सरकार फिर से हमें देखने को मिल सकती है। और अभी शाम का समय हो चुका है, तो अभी मैं हल्के हल्के आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, और हो सकता है कि हमें वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाए, बट कह कुछ नहीं सकते, है ना। कह पाना थोड़ी कठिन है, जंगल है, खुला हुआ है, और वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा है इस जगह पर। और एक चीज़ फिर से मैं मेंशन करना चाहूँगा, कल शाम जब मैं मतलब निकल कर आ रहा था ना, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जब मैं कल शाम को धनगढ़ी से आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था ना, तो काफ़ी सारे जो स्पॉटेड डियर थे ना, अचानक से दौड़ कर आए और सड़क क्रॉस करने लगे। सो जो व्हीकल था आगे की तरफ चल रहा था, उसने मतलब ब्रेक ले लिए थे। अगर वो व्हीकल स्पीड में होता ना गाइस, तो कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट हो जाता, और जिसमें कि आप कह सकते हैं स्पॉटेड डियर को नुकसान हो जाता, और साथ ही उस व्हीकल के मालिक को भी नुकसान होता, क्योंकि अगर जानवर गाड़ी से टकराता तो कहीं ना कहीं फिर गाड़ी में भी डेंट आ ही जाते। सो इस जगह पर मैं तो यही कहूँगा कि ये फॉरेस्ट रेंज है जिम कॉर्बेट की, और ज़रूर इस जगह पे मतलब सड़क है, बट मैं तो ये कहूँगा कि इस सड़क पर आप चलें, मगर अपनी गाड़ी की जो स्पीड है ना उसे स्लो कर कर, ऐसा ना हो कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज रख रहे हैं और फिर जंगली जानवर हादसे का शिकार हो रहे हैं, या आपके साथ में मतलब किसी तरह की अनहोनी, जो कि शायद ही आपने सोची हो, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ें ना हो। तो इसलिए हमेशा फॉरेस्ट एरिया में जब आप चल रहे हों, और बेशक आप अदर जगह हो तो उस जगह पे थोड़ी आपकी स्पीड अच्छी हो सकती है, बट फॉरेस्ट एरिया में मैं कहना चाहूँगा काइंडली आप लोगों से, तो आप ना सुबह और शाम के समय मतलब विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो आपकी गाड़ी की स्पीड है ना वो काफ़ी स्लो होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे स्पीड लिमिट कहीं पे लिखी हुई तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट में जब आप लोग चल रहे हैं ना इस बफर जोन की तरफ, तो इस जगह पर गाड़ी की स्पीड की जो लिमिट है गाइस वह है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है ये एरिया, बट फिर भी इस जगह पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल सकती है। तो प्लीज़ आप उस स्पीड लिमिट का पालन करें, और सुबह और शाम के समय तो सख्ती के साथ इस नियम का पालन करें, नहीं तो मैं कहूँगा कि आप दिन के समय भी इस जगह पर थोड़ी इस नियम का पालन कर सकते हैं, और सुबह और शाम तो है ही खैर, बट ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिन के समय भी करना चाहिए, क्योंकि जंगल है, खुला हुआ है, और कब कहाँ से जंगली जानवर निकल कर आ जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जिम कॉर्बेट में काफ़ी ज़्यादा जो वॉकिंग डियर हैं वो हैं,
जिस वजह से ना कहीं से भी मतलब वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। और ये सड़क एकमात्र ऐसी सड़क है जो कि फॉरेस्ट और रिवर के बीच में है, तो इस सड़क को क्रॉस करके ही फॉरेस्ट का एनिमल रिवर साइड में जाता है जिसे पीना होता है पानी। और ये सामने की तरफ है रिवर साइड और मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ यह है फॉरेस्ट साइड, ठीक है। तो इस जगह से निकल कर आता है वाइल्ड लाइफ और जो मूव करता है फाइनली कोसी रिवर की तरफ, क्योंकि अभी समर का टाइम है। कई बार मैं आपको ये चीज़ें मेंशन कर चुका हूँ, समर में ना वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से रिवर की तरफ मूव करता ही करता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट का ये एरिया है ना, इस जगह में थोड़ी जो जंगल में पानी के स्रोत हैं वो कम हो जाते हैं और मेन जो कोसी रिवर का पानी का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं जंगल में थोड़ी जो पानी का स्कोप है वो कम हो जाता है, बाकी जो जिम कॉर्बेट या वन विभाग द्वारा वाटर मड बनाए हुए हैं तो उस जगह पे पानी पीने के लिए मतलब आप कह सकते हैं हर कोई एनिमल्स नहीं आ पाता है, बट हाँ धीरे धीरे करके उस जगह पर पहुंचते हैं। मगर काफ़ी ज़्यादा तादाद में फॉरेस्ट का एनिमल कोसी रिवर की तरफ मूव करता है पानी पीने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि जो वाटर मड बने हुए हैं ना फॉरेस्ट में, वाटर मड में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कई बार ऐसा होता है जैसे कि अगर वॉकिंग डियर को या किसी अदर्स और एनिमल्स को भी अगर प्यास लग रही है और टाइगर उस समय में उस वाटर मड के पास में है, और जैसे कि आपको पता है टाइगर उस जगह में होता ही होता है जहाँ पे होता है पानी समर में, या कह सकते हैं आप विंटर में, दोनों सीजन में टाइगर पानी के पास रहना पसंद करता है क्योंकि उसकी जो बॉडी में हीट है ना गाइस, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे पानी में बैठना ही बैठना पड़ता है। तो जो वाटर मट है ना, तो उसमें भी कई बार टाइगर ऐसे टाइम पे बैठा होता है जब वाइल्ड लाइफ को पानी की प्यास लगी होती है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस वाटर मट के पास आता है। कई बार तो होता है कि टाइगर रिलैक्सिंग मूड में होता है तो एनिमल्स को कुछ नहीं करता, बट कई बार वही पानी उनकी जान ले लेता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत जब टाइगर उस जगह पे होता है तो फिर एनिमल्स को अवॉइड भी करना पड़ जाता है। वो काफ़ी रेयर केस होता है कि टाइगर और वॉकिंग डियर अदर्स एनिमल्स साथ में पानी पीते हुए या एक ही तालाब के पास में नज़र आते हैं। मोस्टली जो वाइल्ड लाइफ है वो कोसी रिवर की तरफ मूव करती है जिससे कि उनकी जान भी बची रहे और जो उनकी प्यास है वो भी बुझ जाए। कुछ इस तरह का अभी जंगल देखने को मिल रहा है। बाकी आप चेक कर ही पा रहे होंगे मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी तेज है। अभी मैं काफ़ी स्लोली आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आगे से आपको और अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ, क्योंकि शाम का समय ही है और वाइल्ड लाइफ आना ही आना है, ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ नहीं देखने को मिलेगा। तो चलो अभी मैं थोड़ी आगे की तरफ चल रहा हूँ, मेरे से नहीं भी तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अभी धनगढ़ी गेट है जहाँ पे कि जिम कॉर्बेट का मेन म्यूजियम है और जिम कॉर्बेट में जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में उस म्यूजियम में डिटेल दी गई है और जिम कॉर्बेट की हिस्ट्री भी उसमें दर्शाई गई है और जिम कॉर्बेट की जो फेमस बुकें हैं तो उन चीज़ों का भी उस जगह पर जिक्र किया गया है। बाकी थोड़ी जिम कॉर्बेट की जो हिस्ट्री रही है उसे भी उस जगह पर दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी जगह है धनगढ़ी और काफ़ी अच्छा म्यूजियम है गाइस उस जगह पर। कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर एक बार म्यूजियम में विजिट करें, बाकी आप हो सके तो किसी भी जोन में जिम कॉर्बेट के घूमने ज़रूर जाएं और आपको वाइल्ड लाइफ अगर देखने को मिलेगा ना तो आपका बार बार मन करेगा फिर वाइल्ड लाइफ के बीच में आने का और उन्हें निहारने का। यही चीज़ अभी मेरे साथ भी होती है क्योंकि मुझे भी वाइल्ड लाइफ देखने में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी प्यारे नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि यार जंगल में ये जानवर हैं जो अपने दुख को खुद ही झेलते हैं, हमारे दुख को डॉक्टर, हम जो पैसे कमाते हैं उससे चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, बट एनिमल्स कैसे, हाउ कैन पॉसिबल इन दिस सिचुएशन गाइज, तो वो ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल करते हैं और ख़ुद को सर्वाइव करते हैं। कुछ इस तरह से अभी यहाँ से ये दिखाई दे रहा है धनगढ़ी का मेन गेट जहाँ पर की है
म्यूजियम और ढिकाला जोन का मेन गेट। सो अभी एनिमल्स की मूवमेंट इस जगह से नहीं नज़र आ रही है, तो अभी मैं चल तो रहा हूँ आगे की तरफ, क्योंकि मेरा विचार है आगे मेन जो नाला है धनगढ़ी का उस जगह तक जाने का। अगर मौका लगा तो थोड़ी आगे भी ट्राई करेंगे, बाकी विचार तो वहीं तक का है और फिर वापसी में इस जगह से जरूर हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिल ही जाएगा गाइस। इधर साइड में यह है पार्किंग और आगे की तरफ जो आपको थोड़ी पेंटिंग सी नज़र आ रही होगी इस जगह पर है जिम कॉर्बेट का म्यूजियम। यहाँ से ये दिखाया गया है ढिकाला 31 किलोमीटर रानी खेत, काफ़ी अच्छी जगह है बुआखाल, इनकी भी किलोमीटर सोक किए गए हैं। मेन गेट सामने की तरफ है धनगढ़ी का मेन नाला, जो कि बरसात के समय में होता है बेहद ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस ये नाला है। और काफ़ी समय से इस जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बट बीच में रुक गया था, अभी फिर से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बट ना जाने कब ये फ्लाईओवर इस जगह पर बनकर तैयार होगा, कब लोगों की लाइफ सेफ होगी, क्योंकि हर बरसात के सीजन में इस जगह पर कोई ना कोई इंसिडेंट हो ही जाता है। और ये जगह इतनी डेंजरस हो गई है कि हर बरसात में ना गाइस किसी ना किसी की जान ले लेती है ये। और सामने की तरफ अभी आप चेक कर सकते हैं ये ग्रासलैंड जो कि अभी सूखता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि मैं आपको जिक्र करता ही हूँ ना, अभी वाटर लेवल जो है थोड़ी नीचे की तरफ चला गया है, तो जिस वजह से अभी ग्रास भी थोड़ी सूखी हुई नज़र आ रही है। बट ये ग्रास बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ऐसी ही ग्रास में अक्सर टाइगर बैठा हुआ होता है, क्योंकि टाइगर का जो कलर है ना गाइस, उसका कलर, स्पॉटेड डियर का कलर और इस ग्रास का कलर लगभग सेम सा हो गया है, जिस वजह से थोड़ी टाइगर को हंटिंग के लिए इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा चांस मिल जाता है कि वो खुद को छुपा भी ले और हंट भी कर ले एनिमल्स का। और ये है अभी धनगढ़ी का ये नाला, जहाँ पर अभी कुछ इस तरह की मशीनें खड़ी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हैं, बट अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पता नहीं कब जाकर ये ख़त्म होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे तो फिलहाल अभी, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग टाइम पीरियड था ना गाइस वो था 18 मंथ का, बट आज 18 मंथ नहीं, आई थिंक कि इस काम को शुरू हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, बट अभी तक ये काम सफल नहीं हो पाया है। और सामने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं अभी, जो कि शाम के गाइस नहीं भी तो 5:30 से अधिक का समय हो चुका है, 6 बजने को जा रहे हैं और ये लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत चल रही है। और ऐसी जगह पर जहाँ पर कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और यहाँ पे चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन वर्क। सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना है इस पिलर का, तो आपको मैं थोड़ी से पास में जाकर दिखाता हूँ। तो फाइनली कुछ इस तरह से ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, और ये पिलर आई थिंक कि पहले इस जगह पर शायद नहीं था, एक ये नया पिलर इस जगह पर बन रहा है, जिसकी अभी ये बेसमेंट की शुरुआत की जा रही है। आगे की तरफ एक पिलर है, फिर एक आगे है और एक एंडिंग छोर पे फिर से एक पिलर बना है जो कि लास्ट टक्कर होगा। सो इस जगह पर अभी 2 पिलर और बड़े हैं। तो कुछ इस तरह का अभी सामने वर्क चलते हुए, और सामने का ये नज़ारा है गाइज, अभी देख रहे हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है, और सामने ये जंगल है जो कि बेहद ही खतरनाक है, बट इस जगह पर अभी जो इनकी मैन पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा कि आपको पता ही है ऐसी जगह पर टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो टीम वर्क के साथ में अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग इधर उधर भी ध्यान दे रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर की जाती हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये जंगल की जगह है और बेहद ही ख़तरनाक है।
सो अभी चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं फिर आगे से जो भी चीजें हमें साइट सीन हो जाएंगी, है ना। तो उम्मीद है कि आप जरूर कंटेंट में बने रहेंगे और मिलते हैं गाइस आपको आगे की तरफ। ये देखिए गाइस सामने अभी मुझे देखने को मिल गए हैं सांवर डियर, देख रहे हैं कितने सारे हैं। अभी ना मैं थोड़ी लेट जरूर हो गया हूँ, अंधेरा हो चुका है और फाइनली अभी मुझे बड़े फनोद के नाले के पास ये सांवर डियर देखने को मिल रहे हैं और जो कि काफ़ी सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये आप चेक कर सकते हैं, इधर की तरफ जा चुके हैं और कुछ सामने की तरफ अभी यहाँ पे हैं और जो कि अभी सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो इन्हें अभी सड़क क्रॉस करने देते हैं। ये देखिए अभी जैसे ये सड़क क्रॉस कर रहे थे तो इस जगह से व्हीकल चला गया और अभी और भी कुछ हैं जो कि सामने इस तरफ हैं और कुछ सामने इस तरफ अंदर जंगल में जा चुके हैं। तो ये देखिए ये निकल कर आया है एक, और देख रहे हैं गाइस ये देखिए कितने सारे हैं इस जगह पर। यहाँ पर भी है, इधर भी है और अंदर की तरफ काफ़ी सारे सांवर डियर जा चुके हैं, नहीं भी तो 10 सांवर डियर से ज़्यादा थे और जो अंदर जा चुके हैं। तो चलो अभी चलते हैं क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है और फिर क्या है इस जगह पर ज़्यादा देर रुकना। तो फाइनली गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के आउटसाइड लास्ट बाहर। तो चलो अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं फिर आपको एक नेक्स्ट कंटेंट में। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट जरूर पसंद आया होगा। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।